नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूँ मीनाक्षी ठाकुर। नए साल में लोग नए सिरे से जोड़ने के लिए नए कार्य कर अपने अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। वहीं अपराधियों ने भी नए साल में अपराध कर अपने अपराध को बरकरार रखने की शुरुआत की। घटना बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की है, जहाँ अपराधियों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान स्वर्गीय ब्रह्मदेव कापर का पुत्र मुकेश कापर के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मुकेश अपने घर से खेत में काम करने गया था, जहां अपराधियों ने उसे पीट पीट कर हत्या कर दी। एक घंटे में लौटकर आ जाऊंगा कहने वाले मुकेश के परिजनों ने देरी होने पर जब फ़ोन मिलाया तो फ़ोन पे मुकेश के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घबराए परिजन खेत पहुँचे, जहाँ बेहोशी के हालत में मुकेश परा मिला। परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मुकेश के अंतिम सांस लेने के बाद परिवार में मातमी सन्नाटा फैल गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।